फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो धनुष की मच अवेटेड फिल्म कैप्टन मिलर का टीजर हमें 28 जुलाई 2023 को देखने को मिलेगा। जी हां, आपको बता दें मेकर्स ने यह पोस्ट डालते हुए बताया है कि धनुष की इस फिल्म का टीजर हमें 28 जुलाई 2023 को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कैप्टन मिलर एक पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर अरुण माथेश्वरन डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें धनुष के साथ प्रियंका मोहन, संदीप किशन और शिवा राजकुमार जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। अभी तक कैप्टन मिलर के मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है, तो देखना होगा कि धनुष की इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होती है। वैसे आप सुपरस्टार धनुष की कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग फरवरी 2024 से स्टार्ट होगी। आपको बता दें भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर अनीस बज्मी डायरेक्ट करने वाले हैं और वहीं कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अभी तक भूल भुलैया 3 की कार्तिक आर्यन के अलावा कोई भी स्टार कास्ट फाइनलाइज नहीं की गई है, तो देखना होगा कि भूल भुलैया 3 में हमें कार्तिक आर्यन के साथ कौन कौन से स्टार कास्ट देखने को मिलती है। आपको बता दें कार्तिक आर्यन की ये फिल्म हमें दिवाली 2024 में देखने को मिलेगी। वैसे आप भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन के अलावा कौन से एक्टर को देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में बताएं। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। लोकेश कंगाराज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो कैथी 2 की शूटिंग रजनीकांत की फिल्म थलाइवर 171 के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है लोकेश कंगाराज अभी थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म लियो के पोस्ट प्रोडक्शन और VFX पर काम कर रहे हैं और उसके बाद डायरेक्टर लोकेश कंगाराज रजनीकांत की फिल्म 171 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें लोकेश कंगाराज इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे और ये फिल्म हमें 2024 के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगी। ऑफिशियल तो नहीं है पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि रजनीकांत की थलाइवर 171 लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। वैसे आप लोकेश कंगाराज के डायरेक्शन में बनने वाली कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। आयुष्मान खुराना की मच अवेटेड फिल्म ड्रीम गर्ल 2 से मेकर्स ने आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर के फर्स्ट लुक को रिलीज किया है। आप यहां पर आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर के फर्स्ट लुक को देख सकते हैं। आपको बता दें ड्रीम गर्ल 2 एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर राज सांदिलिया ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें आयुष्मान खुराना के साथ अनन्या पांडे, परेश रावल, सीमा पाहवा, अन्नू कपूर, विजय राज, असरानी और राजपाल यादव जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे और वहीं आयुष्मान खुराना की ये फिल्म हमें 25 अगस्त 2023 को देखने को मिलेगी। वैसे आपको आयुष्मान खुराना का ये फर्स्ट लुक पोस्टर कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। आज करती है पूजा इस बात का ऐलान, पूजा एक त्योहार है, 25 को इस बार है। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान से 2 अपडेट है। बात करें इसके पहले अपडेट की तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि जवान का पहला सॉन्ग 27 जुलाई 2023 को रिलीज किया जाएगा। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि इस खबर पर मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन कब तक आती है। और वहीं बात करें दूसरे अपडेट की तो आज जवान के मेकर्स ने एक नए पोस्टर को रिलीज किया है। यह पोस्टर जवान के विलन यानी विजय सेतुपति का फर्स्ट लुक पोस्टर है। आपको बता दें जवान एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर इटली कुमार ने डायरेक्ट किया है और वहीं इस फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा, दीपिका पादुकोण और विजय सेतुपति जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे और ये फिल्म हमें 7 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं भी आप हूं रेडी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।